हेलो दोस्तों, इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ 5000 के अंदर टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। सो इंडोर हो या फिर आउटडोर या फिर पार्टीज के लिए आपको चाहिए एक बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर, तो आपका सभी रिक्वायरमेंट्स इस वीडियो पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि अंडर 5000 जितना भी ब्लूटूथ स्पीकर अवेलेबल है उनमें से मैं टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर को ही सिलेक्ट किया हूँ, जो कि काफी सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसा कि पावरफुल साउंड आउटपुट, डीप बेस, लॉन्ग बैटरी लाइफ, वाटर प्रोटेक्शन, स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इनबिल्ट माइक्रोफोन, ये सब। सो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो 5000 के अंदर यहाँ पर जो नंबर 5 पर ब्लूटूथ स्पीकर है, यह है बोटस्टोन 1450। इसका भी प्राइस चल रहा है 3999 रुपीज। तो बोट का ये ब्लूटूथ स्पीकर काफी स्टाइलिश बूमबॉक्स डिजाइन के साथ आता है, एंड दो साइड पे RGB लाइट्स भी है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है एंड IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट भी है, एंड डिवाइस के फ्रंट साइड पे 76mm का दो स्पीकर टाइपर मिलता है और दो साइड पे बेस रेडिएटर भी है। इसी के साथ ब्लूटूथ वर्सन 5.0 का सपोर्ट है और बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड वॉइस असिस्टेंट भी है। तो जो मेन चीज है साउंड क्वालिटी, तो यहाँ पर मैं साउंड भी एक बार आपको सुना देता हूँ। तो इसका टोटल साउंड आउटपुट है 40 वाट। सो साउंड क्वालिटी काफी क्लियर है, ट्रेबल एंड वोकल्स काफी सही है, बेस काफी अच्छा है, बट ज्यादा थम्पी टाइप का बेस यहाँ पर नहीं मिलता है। इसी के साथ 3600mAh का बैटरी है एंड सिंगल चार्ज पर 10 आवर्स बैटरी बैकअप दे देता है, और TWS फंक्शन एंड EQ मोड्स भी है। पोर्ट्स यहाँ पर USB, AUX एंड टाइप सी मिलता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से डिवाइस काफी सही है। और यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर है, यह है जेपरोनिक्स जेप साउंडफेस्ट 500। इसका भी प्राइस चल रहा है 4481 रुपीज। सभी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। डिवाइस काफी लार्ज टाइप का है एंड 70 वाट साउंड आउटपुट के साथ आता है। फ्रंट साइड पे 89mm का दो लार्ज स्पीकर ड्राइवर है, RGB लाइट्स भी है, एंड डिवाइस के दो साइड पे बेस रेडिएटर है। बैटरी बैकअप भी अच्छा है, सिंगल चार्ज पर 9 आवर्स दे देता है। इसी के साथ ब्लूटूथ वर्सन 5.0 का सपोर्ट, IPX5 वाटर प्रूफ है। सो जो मेन चीज है साउंड क्वालिटी, मैं यहाँ पर आपको एक बार सुना देता हूँ। तो 70 वाट का स्पीकर है, साउंड काफी लाउड है एंड क्लियर भी है, बेस काफी डीप एंड थम्पी टाइप का है, सो बेस काफी तगड़े है, और सिंगल चार्ज पर ये 9 आवर्स प्लेबैक टाइम दे देता है। इसी के साथ इनबिल्ट माइक्रोफोन, कॉल फंक्शन, TWS फंक्शन है, और AUX टाइप सी, MSD एंड USB पोर्ट है। सो लाउड साउंड के हिसाब से डिवाइस काफी अच्छा है। और आपको चाहिए ट्रैवलिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट साइज का ब्लूटूथ स्पीकर, तो JBL क्लिप 4 वन ऑफ बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका भी प्राइस चल रहा है 4240 रुपीज। सो JBL का यह स्पीकर काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, और IP67 का वाटर एंड डस्ट प्रूफ भी है। 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक ये रह सकता है। इसी के साथ ब्लूटूथ वर्सन 5.1 का सपोर्ट है, 1050mAh का बैटरी है, एंड सिंगल चार्ज पर 10 आवर्स प्लेबैक टाइम दे देता है। डिवाइस के फ्रंट साइड पे स्पीकर ड्राइवर एंड पीछे बेस रेडिएटर है। 5 वाट का साउंड आउटपुट है एंड JBL सिग्नेचर साउंड का सपोर्ट है। सो इसका साउंड क्वालिटी भी मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। Yeah, I've been running, so make it on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if we step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight. And I'ma get it right, dead on sight like.
105 वाट के हिसाब से दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी काफी लाउड एंड क्लियर है एंड ट्रेवल एंड वोकल्स भी काफी क्लियर है, बेस भी बढ़िया है। सो डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, इसे आप इजीली ट्रेवलिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। और 5000 के अंदर यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर है यह है ब्लोपंक एटोमिक BB50। इसका भी प्राइस चल रहा है 4999 रुपीज। सो ये जो स्पीकर है काफी बड़ा साइज का है, बूमबॉक्स डिजाइन के साथ आता है और वायरलेस माइक्रोफोन एंड रिमोट का सपोर्ट है और इसका टोटल साउंड आउटपुट है 50 वाट। फ्रंट साइड पे दो स्पीकर टाइपर है 8GB लाइट्स के साथ और दो साइड पे बेस रेडिएटर है एंड बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिल जाता है। IPX5 वाटर रेटेड भी है, 4500 mAh का बैटरी है एंड सिंगल चार्ज पर 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। सो जो मेन चीज है साउंड क्वालिटी, मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। सो 50 वाट के हिसाब से साउंड काफी लाउड है एंड काफी क्लियर भी है और बेस यहाँ पर काफी डीप एंड तगड़े सुनने को मिल जाता है और ज्यादा बेस के लिए बेस बूस्टेड मोड भी है और माइक्रोफोन ऑक्स USB टाइप सी TF पोर्ट्स मिलता है। सो साउंड क्वालिटी के मामले में डिवाइस काफी सही है, छोटा मोटा पार्टीज के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो पहले नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर है यह है ट्रिबिट मैक्स साउंड प्लस, इसका भी प्राइस चल रहा है 4699 रुपीज। ये दोस्तों एक कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर है एंड टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। फ्रंट साइड पे मेटल स्पीकर ग्रिल है एंड IPX7 वाटरप्रूफ है, 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक ये रह सकता है। इसी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट है एंड 2200 mAh का बैटरी है। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, सिंगल चार्ज पर 20 आवर्स दे देता है एंड डिवाइस के फ्रंट साइड पे 12 वाट का दो स्पीकर टाइपर एंड बेस रेडिएटर है, टोटल 24 वाट का साउंड आउटपुट प्रोवाइड करता है। साउंड क्वालिटी भी मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। सो 24 वाट के हिसाब से साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, लाउड भी है एंड ट्रेवल एंड वोकल्स काफी क्लियर है। बेस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सुनने को मिलता है एंड एक्स बेस मोड भी है। इसी के साथ इनबिल्ट माइक्रोफोन ऑक्स एंड माइक्रो USB पोर्ट है। सो ये स्पीकर भी काफी अच्छा है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो और सभी का बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना।